तुम चले, हम चले, प्यार के सफर में हम सफर बन चले। सुनो सुनो एक बात कहूँ, कहो जी पिया मैं सुनती हूँ। दोस्तों, योगिता बाली का जन्म 13 अगस्त 1952 को मुंबई में हुआ था। इस मशहूर अदाकारा का शुरुआती जीवन काफी संघर्ष भरा रहा था। अपने शुरुआती दौर में इन्हें अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी। इनके जीवन का पहला बड़ा बदलाव साल 1971 में आया था। जब इन्हें फिल्म परवाना में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में काम करने का मौका मिला। जूड़े में गजरा मत बांधो मेरा गीत महक। इनकी सुंदरता और खूबसूरत अदाओं ने उस दौरान लाखों लोगों को इनका दीवाना बना दिया था। जाएगा तेरी प्रीत सुलग जाएगी। इस कारण योगिता कई डायरेक्टर्स की पहली पसंद बनने लगी थी। साल 1973 में आई उनकी फिल्म यौवन ने उस दौरान काफी लोकप्रियता हासिल की थी। योगिता को अब कई फिल्में मिलने लगी थी। साल 1973 में योगिता बाली ने करीब 7 फिल्मों में काम किया। लोगों के बीच योगिता का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था। साल 1970 से 1980 के दशक के बीच ये अदाकारा काफी मशहूर हुई थी। मुझको बचा ले मेरे सजन, जल्दी से कर तू कोई जतन। उस समय योगिता ने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। उस दौरान योगिता शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद, संजीव कुमार जैसे कई मशहूर एक्टर्स के साथ लीड रोल में दिखी थी। किशोर कुमार की एंट्री ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। आँखों में मोहब्बत ने बड़ा काम किया है। 1970 से 80 के दशक के बीच उन्होंने किशोर कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया। काम करते करते दोनों के बीच प्यार हो गया। पैगाम दिया है, सभी पैगाम लिया है। और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। किशोर कुमार और एक्ट्रेस योगिता बाली की शादी उस दौरान काफी सुर्खियों में रही थी। योगिता बाली उस समय अपने करियर की बुलंदियों पर थी। उन्हें वो सब मिल रहा था जिसकी शायद ही उन्होंने कभी कल्पना की हो। 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिर अचानक दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा। अंत में दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। किशोर कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा था कि योगिता बाली के साथ उनकी शादी सिर्फ एक मजाक थी। शादी के लिए योगिता ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई थी। किशोर कुमार से अलग होने के बाद योगिता बाली को जरा भी दुख नहीं हुआ। तलाक लेने के 1 साल बाद ही उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी रचा ली थी। कई लोगों का यह भी कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी करने के लिए ही उन्होंने किशोर कुमार को तलाक दिया था। हालांकि शादी करने के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। साल 1989 के बाद वे पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री योगिता बाली कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।